बनाया जा रहा है गोभी की तरह महीने के लिए। अभी कह रहे हैं कि चल तुझे आज ही मिलवा लाता हूँ। कुछ नहीं है, मैं वहाँ तो ज्यादा टाइम नहीं रुक पाएंगे। बच्चे संभाले हैं। व्हाइट एंड ब्लैक लग रहे हो। माय गॉड, माया आ रही है। हेलो, क्या बनाया जा रहा है? गोभी की तरह। ओह माय गॉड, ये वैसे नहीं बन रहे जैसे मम्मी बनाती है। डोली बना रही है ना? नहीं, रायकोट वाली मम्मी ऐसी बनाती है ना। डोली भी ऐसी बनाती है ना। डोली हर चीज में एक्सपर्ट है। सीख लिया मैंने भी। सीख लिया? नहीं, तू तो पहले से तेरे को आता था ना। मम्मी उन्हीं को देख के, बहन को देख के। ये वाले हमारे वाले हैं ये। अच्छा, उसमें क्या? लाल मिर्च? हाँ, उसमें लाल मिर्च, हाँ। अजवाइन और मिर्चे और इस वाले नमक में? इसमें आपने मिर्च और नमक वाला खाना था और जीरा डाल दिया। हाँ, जीरे वाला भी। हाँ, सो ये मेरा पराठा बन गया है। थैंक यू सो मच जॉली। अचार? यस, आई वांट अचार। तो यहाँ बन गए पराठे अचार। सो यहाँ है मेरे पराठे अचार और इधर है चाय। देख नहीं रहा पर बालकनी में। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? सो गाइज, अभी जस्ट रेडी हुए हैं। रेडी तो एक्चुअली मैं मॉर्निंग में ही हो गई थी, बट अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर और अभी टाइम हुआ है 7 o'clock। कंचन सो रखी है और डॉली यहाँ पर बैठ के अपने सीरियल देख रही है एज यूजुअल। हेलो, कौन सा फेवरेट सीरियल है डॉली? सीरियल कुछ भी देख लेती है, जहाँ मन करता है। बोर जब होते हैं तो सीरियल ही दिखता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना? हाँ, मैंने आज देखा तुझे वो देखते हुए। बस वैसे ही देख लिया। पर यहाँ बोर तो नहीं हो रही ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जब होता है तो देख लेती हूँ। अभी होगी, आप चले जाओगे तो हम लोग आ जाएंगे 10 बजे तक। तो एक्चुअली अभी क्या हुआ, प्लान एकदम से बन गया क्योंकि रितु चाची आई हैं कनाडा से और वो आई हैं हार्डली आई थिंक 1 महीने के लिए। तो अभी आए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि चलो तुमको एक बार मिलवा लाता हूँ क्योंकि इसके बाद आई थिंक 7th को वेडिंग है उनके घर पे। उनके घर पे नहीं, मतलब रूपम के जो जेठ हैं उनकी वेडिंग है और फिर ये लोग तो मिल लेंगे चेरी वगैरह, बट मैं नहीं मिल पाऊँगी क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ वेडिंग पे। तो अभी कह रहे हैं कि चल तुझे आज ही मिलवा लाता हूँ। तो बाकी आगे पता नहीं कब फिर मिलना होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी फिर चले जाएंगे बॉम्बे और फिर रितु चाची भी कुछ टाइम के लिए आई हैं तो फिर हमने सोचा चलो आज ही जाते मिलने। तो जैसे आप लोगों को पता है मैं मनाली से वापस आया हूँ, वहाँ पे स्किन बहुत ड्राई हो गई थी, मेरे टैनिंग भी हो गई आपको दिख रहा है। तो उसके लिए मामा अर्थ की तरफ से है ये हनी मलाई फेस वॉश। इट्स वेरी इफेक्टिव यार। हनी आपकी स्किन को स्मूथ करता है, मलाई आपकी स्किन को नरिश करता है। आपको पता ही है मलाई का कितने सारे बेनिफिट्स हैं। हम लोग दूध लगाते हैं अपने चेहरे पे, मलाई लगाते हैं क्योंकि इसका सरफेस टेंशन इतना कम होता है तो आपके स्किन के अंदर जो डर्ट होती है उसको ये बाहर कर देता है। तो इसमें हनी है और मलाई है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सारी स्किन पे सूट करता है, टोटली नेचुरल है, टोटली हर्बल है, प्लास्टिक पॉजिटिव है और क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट है। पीएच इसका बैलेंस्ड है और सल्फेट्स नहीं है इसमें, SLES नहीं है, फैलेट्स और सिलिकॉन नहीं है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है बहुत नेचुरल प्रोडक्ट है। मामा अर्थ की मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है कि ये लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं तो एज सच कोई केमिकल आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है फेस वॉश में, जैसे अभी मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तो अभी मैं कोई नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करता तो उसमें जो सल्फेट्स होते हैं वो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, सारा कुछ साफ कर देते हैं। तो एज सच इसके अंदर मलाई और हनी है तो ड्राइनेस नहीं होगी, तो उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। फेस वॉश लगाने के बाद अच्छे से आपके जो स्किन है वो नरिश हो जाए, दोबारा से आपकी स्किन में सारी नरिशमेंट आ जाए। तो उसके साथ ही ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है जो मैंने यूज़ किया, एंड बिलीव मी द रिजल्ट्स आर माइंड ब्लोइंग। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही केमिकली फ्री होते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल इनमें नहीं होता और टोटली नेचुरल होते हैं। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं मामा अर्थ के ऐप पे, नायका पे, फ्लिपकार्ट पे, बबल पे, अमेजोन पे और मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए मैं ऑलरेडी लगा रहा हूँ बिकॉज मेरे स्किन में इतनी ड्राइनेस हो रखी है, मेरे सारे हाथ इतने ड्राई हो रखे हैं कि यू नो इट इज़
आप ये देखो मेरे, अगर आप ध्यान से देखो तो दीज क्यूटिकल्स ये फट रहे हैं ड्राइनेस की वजह से, है ना। तो इस ये इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प देगा। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव हैं और मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है। मामा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप लॉन्च की है, तो जितने भी यूजर्स हैं उनको अर्ली एक्सेस मिलेगा और स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अभी आप मामा अर्थ से ऑर्डर करते हो तो वो आपका ऑर्डर जो है वो एक ट्री के साथ प्लांट कर देते हैं, जिसको वो लोग कहीं पे भी प्लांट करेंगे। जो प्लांट की एग्जैक्ट जियोलोकेशन है, जो स्पीसीज हैं और पिक्चर है, वो आपको भेज दी जाएगी मामा अर्थ की तरफ। जैसे आपको पता है मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन पे, नायका पे, फ्लिपकार्ट पे, पर्पल पे अवेलेबल हैं, बट ये सारे प्रोडक्ट्स आपके आसपास के स्टोर्स पे भी अवेलेबल हैं। तो अगर कोई भी आपको मामा अर्थ का स्टोर आसपास दिखता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। इन दोनों प्रोडक्ट्स के जो लिंक हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा और एक कूपन कोड भी डाल दूंगा जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और ना मुझे ये आप बताना कमेंट करके यार कि जिनके घर पे बैल्कनीज होती है वो कभी भी अपनी बैल्कनीज पे बैठ के यू नो व्यू एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है। जिनके घर पे नहीं होती उनको होता है कि हमको चाहिए बैल्कनी, पर जब बैल्कनी मिल जाती है तो फिर वो एक दिन का ही शौक होता है, उस पर कोई भी बैठ के बाहर नहीं देखता है। अभी जैसे कभी भी मम्मी को दिखाओ ना कि देखो बाहर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कहती है कितना अच्छा लगेगा बाहर बैठेंगे देखेंगे ये करेंगे, होता है। और बट जब ले लेते ना घर, वो एक दो दिन का शौक होता है, उसके बाद बालकनी की कोई वैल्यू रहती नहीं है। मतलब इतना अभी अच्छा व्यू है, मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये है बाहर का व्यू और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मतलब मन करता है कि बैठे रहो देखते रहो, बट कोई नहीं बैठता रहा, इंक्लूडिंग मी, मैं भी नहीं बैठी हूँ। बट यही होता है कि बालकनी वाला घर चाहिए, ठंडी ठंडी हवा, अच्छा सा वेदर। सो गाइज ये गाड़ी जा रही है हमारे सामने, उसकी डिग्गी खुली हुई है, बट वो अंकल को पता भी है, आके बंद भी किया पर तब भी बंद नहीं हुई है, और फिर से अभी इतनी ज्यादा खुल गई और उनका सामान भी बाहर है, और हमने हॉर्न भी मारा उन्होंने तब भी नहीं सुना। तो गाइज चाची जी के घर जाने से पहले अभी मुझे लेके आए हैं 22 नंबर मार्केट, 22 सेक्टर, बट बहुत ज्यादा क्राउडेड है इसलिए मैं तो बाहर नहीं निकलूंगी, मैं तो गाड़ी में बैठी रहूंगी। अब मेरे को आई थिंक एक दो चीजें खरीदनी है तो अपना ले नहीं, मैं नहीं जाना है बाहर मास्क पहन के, बहुत ज्यादा हैगा क्राउड। सो जो भी इनको लेना है सामान लेके फिर हम लोग निकलेंगे रितु चाची के घर पे। यस की हो गया ओ नालाली मार्केट नहीं लखन की कैसे शू नहीं एक थे गड्डी के पीछे पैर हवा ठीक है अच्छा ये तो कुछ नहीं है नहीं ये सारी मोबाइल मार्केट है आईफोन ओए तो मैं क्या सी का मोबाइल ही मोबाइल है इस मार्केट के बीच चलो बंद हो गया हां क्यों नहीं कितना मैं क्या गड्डी ना चल बिना क्लच दबे गड्डी नहीं चलती दस्से दस्से। सो गाइस हमको मार्केट ही नहीं मिल रही है यार, अभी हम लोग किसी और मार्केट में घुस गए हैं, कोई शास्त्री नगर शास्त्री मार्केट बाई बी समथिंग करके वो नहीं मिल रही है यार, कौन से नहीं मिली जिन्होंने सीधा चलो टूटू चाची दिख रही होगी बस। फाइनली अभय को मार्केट मिल गई है और वो अभी जस्ट गए हैं अपना कुछ सामान लेने, और मैं नहीं गई यार क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था गाड़ी से उतरने का, वॉक करने का, पता नहीं आज थोड़ा सा लो है, टायर्ड फील कर रही हूँ। मैंने अभी को बोला कि मैं गाड़ी में बैठूंगी, तुम जाओ चूल्हे के आना फटाफट आ जाओ, क्योंकि रितु चाची का भी कॉल आ रहे हैं, फिर वहाँ भी निकलना है, वहाँ तो ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाएंगे, आधा एक घंटा रुकेंगे और फिर टाइम से घर भी पहुँचना है। सो बस अभी का वेट कर रही हूँ, देखते कितना टाइम लगाते हैं यार। सारे दब के देख ला कोई ना भी तो हाँ जी आपने कुंडी नहीं लगाई कोई भी कुछ जाएगा ऐसे तो कैसे हो व्हाट्सएप सितंबर
छह महीने बाद आए ना फिर सर्दियां सी हो ना। हां हां सूरी तो चाची एक महीने के लिए आई है। मेरी प्रेगनेंट में डिलीवरी तक कर लग जाते यार। नहीं सबके बच्चे संभाले हैं हैं पता नहीं था यार नहीं हो जाती मैं के सारे ने पैदा करा के गए ना इंक्लूडिंग नमिता। हां अदा ऊपर जा नमी पंडिरी तो सारी। हां चलो कोई चलो खुश रहो मनाली थैंक यू सा रबाब भी दिखाने लाइट थोड़ी लाइट अरे शरारती है। हाँ ये सो ये रितु चाची की जो बड़ी बेटी है खुशबू उनका बेटा है जो अभी 3 महीने का हुआ है और आप देखोगे 4 महीने का हुआ है 1 साल बाद उसकी लोड़ी पे देखोगे। आप भी आओगे ना आप भी तभी आओगे क्या अब चले गए तो नहीं हाँ बीच में तो नहीं आओगे मत्था टकाओगे तो मत्था तो टकाओगे ना दादी जी समाध अपना सोच रही सी टेक आऊंगी घरे जाएगा जब तो वापस आएगा है ना लोड़ी वेले तो टकाओगे ना। हां सर कोई की मैं कह रहा एक बड़ा ग्राउंड कर लेंगे क्रिकेट वाला। नहीं नहीं निश्चय कह रहा है इकट्ठे कर लेंगे सारे एक वेन्यू लेंगे क्रिकेट वाला ग्राउंड कर लेंगे तीनों एक जगह क्रिकेट स्टेडियम ठीक है ठीक जी आवाज पहुंचाने का बेबी और थोड़ी है इधर ही है इतनी दूर नहीं है कि उसको पूं का क्यों बोला बेबी तेरे मां से ना ना पेट पे ऐसे लाइट चली गई देखा वो नहीं चाहता लास्ट टाइम भी तुझे उसको कितना बुला सी लाइट गई तेरे पेट पे मांस बहुत। हेलो सो ये है जी नया तरीका न्यू बॉर्न जो भी इस दुनिया में नए हैं उनसे बात करने का आप भी अपने घर पे यूज करें। हेलो 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 गई आवाज वाइब्रेशन भी जाएगी ना आवाज की। हाँ बेबी भी के काम से बच गए पर रात भर गए थे बहुत तंग किया तुमने मुझे। सो गाइस आ गए थे लोग वापस और आते ही फिर गप्पे छप्पे मारने लग गए और अभी मेरा डिनर हो चुका है अभी का डिनर हो रहा है कंचन ने भी अपना डिनर कर लिया डॉली ने भी अपना डिनर कर लिया चाय भी बनाई थी चाय पी ली उसके बाद मैंने फिर बना के पिलाई थी चाय है ना चाय फिर पी चाय के साथ वही तो चार छोटे खा लिए थे फिर मैं आराम से फिर हम बैठे रहे कब से वेट करते रहे फिर बैठ के क्या पाऊंगे आऊंगे आऊंगे फिर जैसे मैं जो खबर दी आ रहा जल्दी आ जाओ जल्दी और फिर मेरे विक्की का ही फोन आया हाँ? पर वो पहुंच ही गया एकदम ना रायकोट से पहले रायकोट में आया था तूफान रायकोट से पहले पहुंच गया नहीं फिर इधर आ गया अभी तो पता नहीं यार वेदर अजीब सा ही हो रखा है हर रोज तूफान आ रहे हैं हर रोज बारिश हो रही है पता नहीं क्या है इस टाइम पे गर्मियां आ जानी चाहिए नहीं आई यार देख लो ये देख लो एग्जाम्पल मतलब ठंड का एग्जाम्पल है ये ठाकुर भाई शोले का वो था कोई सरनेम वो मत ले लेना सरनेम था मतलब सरनेम नहीं ठाकुर गब्बर 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 गब्बर
गब्बर तो दूसरा था यार जो बोल रहा है हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तूने शोले का नाम बदनाम कर दिया। नहीं ठाकुर गब्बर था भाई शोले का था। हां तो बताना शॉर्ट में अच्छी लगती है विदाउट शॉर्ट ठीक है कमेंट करके बताना। और ये बस पीऊंगी दूध मेरे मन बन रहे हैं खाने फिर उसके बाद सो जाएंगे। आज मेरी वॉक भी नहीं हुई क्योंकि ऋतु चाची के यहाँ गए थे फिर आते आते लेट हो गए। सो मिलते हैं सुबह। लाइक शेयर सब्सक्राइब।